हेनरी मिलर जो एक नोवेलिस्ट हैं, उनका एक फेमस क्योट है, एवरी मैन हैज हिज ओन डिस्टिनी, द ओनली इम्परेटिव इज टू फॉलो इट, टू एक्सेप्ट इट, नो मैटर वेयर इट लीड्स हिम। ये क्योट रिजवान साजन की लाइफ स्टोरी पर फिट बैठता है। वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताऊंगा जो शायद कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। रिजवान साजन, ये वही एक नाम है जो कभी मुंबई के स्लम्स में रहते थे, और आज हम लोग रिजवान साजन के एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ और अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे। Please, you don't ask me free pass because I have to cover a huge expenses to bring these 60-70 Bollywood stars under one roof. And trust me, it's not easy. Sir, मैं चाहूँगा रिजवान सर, आप ऐसे टहल रहे हैं जैसे गार्डन में आए हैं। How much crypto do you have? If you were to say, I don't have more than a couple of million dollars. I don't have much crypto. Wow. गाइज, आपने जितने भी रिचेस्ट मैन इस दुनिया में देखे होंगे, सबने अपनी जिंदगी में एक बार तो पॉवर्टी जरूर देखी होगी। चाहे वो मुकेश अंबानी हो या गौतम अडानी, चाहे वो इलॉन मस्क हो या बिल गेट्स, इन सब ने कभी ना कभी तो गरीबी जरूर देखी होगी। लेकिन इन सारे लोगों को किसी ने अमीर नहीं बनाया, सबने खुद से ही सक्सेस को अचीव किया है। कुछ इसी तरह की स्टोरी रिजवान साजन की है। रिजवान जब छोटे थे तो गरीबी इस कदर थी कि रिजवान के पास रहने को अपना घर भी नहीं था। एक ही टॉयलेट था जिसको काफी लोग शेयर करते थे। लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए रिजवान को बचपन से ही कामयाब होने का शौक था। रिजवान जब 16 साल के थे तभी उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी आ चुकी थी। बचपन में ही रिजवान के फादर की डेथ हो गई थी। इसके बाद तो रिजवान अपनी डिसेंट लाइफ को भूल ही गए थे। फादर की डेथ के बाद वो अपनी पढ़ाई को ज्यादा आगे नहीं कर सके, लेकिन रिजवान थे कि हार मानने वालों में से नहीं थे। धीरूभाई अंबानी ये एक ऐसा नाम है जिसको शायद ही इंडिया में कोई नहीं जानता होगा। धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पर एज ए पेट्रोल वेंडर काम करना शुरू किया था, और यहाँ से ही उनकी लाइफ को सक्सेस की पहली सीढ़ी मिली। कुछ इसी तरह इंडिया में जितने भी स्टार्टअप्स हैं, उनके फाउंडर्स ने छोटे काम से ही अपनी जिंदगी की शुरुआत की है। रिजवान साजन की कहानी भी सिमिलर है। 16 साल की उम्र में ही रिजवान साजन ने मुंबई की सड़कों पर बुक्स सेल करना शुरू कर दिया था। लेकिन सिर्फ बुक्स बेचने से उनकी फैमिली का गुजारा नहीं हो रहा था, तो रिजवान ने फेस्टिवल फायर क्रैकर्स भी बेचना शुरू कर दिया और साथ में मिल्क भी डिलीवर करने लगे। लेकिन रिजवान ने वो सब कुछ किया जो उन्हें करना चाहिए था, लेकिन तकदीर में कुछ और ही लिखा था। गाइज, इंडिया में ना जॉब की वैल्यू लोगों को तभी समझ आती है जब जॉब हाथ से निकल जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ था लॉकडाउन के टाइम, जब लॉकडाउन लग गया था। लोगों के पास खाने को खाना नहीं था तो किसी के पास जॉब नहीं थी। सब कुछ लॉस में ही चल रहा था। बिजनेस और स्कूल तो शट हो चुके थे और ना ही इनकम का कोई जरिया नजर आ रहा था। कुछ ऐसा ही वक्त रिजवान साजन के टाइम था जब वो छोटे छोटे काम करके भी खुश नहीं रह पा रहे थे। उन्हें लगता था कि वो लाइफ में बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि वो स्टेप्स लेने से डर रहे थे। फिर वो अपनी लाइफ का पहला कदम उठाते हैं और वो अपने अंकल को एक लेटर लिखते हैं। उस लेटर में सबसे पहले वो यही लिखते हैं, मुझे कुवैत में जॉब दिला दो। फिर रिजवान के अंकल ने लेटर को पढ़ा और पढ़कर काफी कोशिश की जॉब को ढूंढने की, लेकिन उम्र कम होने की वजह से उन्हें कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी और रिजवान साजन को काफी वेट करना पड़ा। फिर रिजवान साजन जब 18 साल के हो गए तो उन्हें एक जॉब ऑफर की गई जो कुवैत से ही आई थी। जॉब की ऑफर सुनने के बाद तो रिजवान खुशी से झूम उठे, और ये वक्त ऐसा था कि उन्होंने एक राहत की सांस लेने में कोई परेशानी नहीं हुई। रिजवान फौरन मुंबई से कुवैत के लिए रवाना हो गए। कुवैत में उन्होंने अपने हार्डवर्क की मदद से मंथली 1500 अरबिक एमिरेट्स अर्न कर लेते थे, लेकिन शायद ये रिजवान की जिंदगी के लिए काफी नहीं था। रिजवान जब कुवैत में जॉब कर रहे थे तो उन्होंने जॉब्स के साथ भी काफी एक्स्ट्रा वर्क किया और काफी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट भी किया और शेयर मार्केट में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट किया। ऑफलाइन और ऑनलाइन वो काफी हार्ड वर्क कर रहे थे। इसी बीच उनकी मुलाकात समीरा साजन से होती है और वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। लेकिन जो भी सक्सेस रिजवान को मिली थी, ये सारी सक्सेस बस कुछ वक्त के लिए थी। रिजवान की जॉब और हार्डशिप सब कुछ हाथ से जाने वाला था। 1920 में कुवैत का जब इन्वेजन हुआ तो उनकी हर एक चीज लॉस में चली गई और वो बस से मुंबई की सड़कों पर आ गए और जॉब की तलाश करने लगे। फिर कुछ सालों के बाद दुबई से उन्हें एक ब्रोकरेज फर्म की तरफ से ऑफर आया। ये फर्म स्पेशली बिल्डिंग मटेरियल्स में डील करती थी। रिजवान को 1500 एएलडी मिलने लगा और सिचुएशन कुछ ठीक हुआ। जॉब करते हुए 3 साल ही हुआ था कि उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना खुद का एक बिल्डिंग मटेरियल ट्रेडिंग कंपनी खोलना चाहिए। फाइनली 1993 में रिजवान ने डेन्यू कंपनी को फाउंड कर दिया। और गाइस, लक मानो या हार्डशिप, दुबई काफी सुटेबल था इस बिजनेस के लिए और यही एक राइट टाइम था रिस्क लेने के लिए।
लिए और उन्होंने रिस्क भी लिया और यही रिस्क ने उन्हें टॉप पर पहुंचा दिया। उन्नीस में जब उन्होंने अपनी कंपनी खोली जिसको नाम दिया डेन्यू ग्रुप, जिसका आज एनुअल टर्नओवर 1.5 बिलियन डॉलर्स है, आज रिजवान साजन की पर्सनल नेटवर्थ बिलियंस ऑफ धीरम्स में है। ये एक काफी बड़ी अचीवमेंट है रिजवान साजन के लिए। डेन्यू ग्रुप फेमस बिल्डिंग मटेरियल्स कंपनी है जो एक कम्प्लीट होम सोल्यूशन ब्रांड है। मिस्टर साजन कहते हैं कि लाइफ कैन थ्रो योर ऑफ गियर बट इट्स योर विल एंड डिटर्मिनेशन दैट कीप्स योर हेड अबव वाटर। मिस्टर साजन ने अपनी कंपनी को अनडिस्प्यूटेड मार्केट में लीडर बना दिया जो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट और होम इम्प्रूवमेंट के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। डेन्यू कंपनी आज लार्जेस्ट सप्लायर कंपनी है जो जीसीसी रीजन में वर्क करती है। डेन्यू के दो मेन सेगमेंट्स हैं, पहला बिल्डिंग मटेरियल्स, दूसरा डेन्यू होम, जिसमें आपको होम इंटीरियर एंड डेकोरेशन सॉल्यूशन देखने को मिलता है। जो डेन्यू कंपनी को वैरायटी ऑफ आर्ट्स प्रोडक्ट ऑफर करता है जो शोरूम में दूर से ही दिखता है, और यही सबसे बड़ी वजह है इस कंपनी को ग्रो करने की। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स दूर से ही लोगों को दिख जाते हैं और एक अच्छा व्यू क्रिएट करते हैं। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के टॉप रिचेस्ट बिजनेसमैन की बात करें तो आपको यही लगता होगा कि मुकेश अंबानी या फिर गौतम अडानी ही होंगे, लेकिन इंडिया के टॉप 100 लीडर्स जो यूएई में अपने बिजनेस को ग्रो कर चुके हैं, इस 100 लोगों की लिस्ट में रैंक 7 पर आते हैं रिजवान साजन। ये इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट की बात है। मिस्टर साजन के लेसन से हमें ये सीख मिलती है, इंसान अगर हार्डवर्क करे तो वह छोटे से ऑर्गेनाइजेशन को भी टॉप पर ले जा सकता है। गाइज, मिस्टर साजन के बिजनेस मंत्रा को समझने की कोशिश करें तो सिंपल सा लॉजिक है, सबसे पहले वैसे लोग को जो बिजनेस को एम्पावर कर सकते हैं और फिर उन्हें बिजनेस में शामिल कर लो। साजन के लीडरशिप स्किल्स को देखते हुए दुबई ने बहुत सारे अवार्ड उन्हें दिए थे, जैसे दुबई क्वालिटी अवार्ड्स एंड टॉप 50 मोस्ट पावरफुल इंडियंस इन द यूएई बाय अरबियन बिजनेस। ये दो बिग अवार्ड्स मिल चुके हैं मिस्टर साजन को। गाइज, मिस्टर साजन का नाम 6 बार फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप इंडियन बिजनेस लीडर इन द अरब वर्ल्ड में भी आ चुका है और 3 बार टॉप रियल एस्टेट कंपनी इन द वर्ल्ड अवार्ड भी जीत चुके हैं। 1993 में एस्टेब्लिश हुई कंपनी डेन्यू ग्रुप एक स्मॉल ट्रेडिंग इंटरप्राइजेस थी जिसको बड़ा बनाना रिजवान साजन का एक ड्रीम था, और आज वो ड्रीम एक रियलिटी बन चुका है। 25 साल पहले शुरू हुई ये कंपनी एक शॉप और एक इंसान से ही शुरू हुई थी, लेकिन डेन्यू ग्रुप आज 50 लोकेशन और 9 कंट्री में ही आपको मिल जाएगी, लाइक यूएई, कुवैत, ओमान, बहरेन, कतर एंड अफ्रीका, एंड इंडिया भी इस लिस्ट में शामिल है। इतना ही नहीं, डेन्यू के पास ओवर 5.5 मिलियन स्क्वायर फीट की जमीन जवजा में है और इसलिए डेन्यू ग्रुप जवजा की सबसे बिगेस्ट लैंड बैंक ऑक्यूपायर्स भी बन चुकी है। डेन्यू ग्रुप के वायर हब्स पूरे यूएई में फैले हुए हैं जिसमें 50,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। गाइस, डेन्यू ग्रुप की अगर ग्लोबल मार्केट में डोमिनेंस देखें तो 2018 में डेन्यू ने 1.3 बिलियन यूएसडी डॉलर का टर्नओवर किया था जो एक रिकॉर्ड बन गया था। 2012 में मिस्टर साजन ने डेन्यू वेलफेयर सेंटर ओपन किया था जिससे काफी मदद मिली थी वर्कर्स को और सोसाइटी पर भी काफी अच्छा असर पड़ा था। फ्री ट्रेनिंग दी जाती है जो अनस्किल्ड वर्कर को काफी हेल्प मिलती है उनकी लैंग्वेज स्किल के लिए और फर्दर कैरियर डेवलपमेंट के लिए। ये एनजीओ काफी हेल्प करता है। गाइज, मिस्टर साजन फिल्मफेयर मिडिल ईस्ट ब्रांड के ओनर भी हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमारे पास फिल्मफेयर की फ्रेंचाइजी है जो मिडिल ईस्ट में हर साल इवेंट होस्ट करती है जिसमें काफी बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, जैसे दीपिका पादुकोण, गोविंदा, हेमा मालिनी, जानवी कपूर। रिसेंटली उन्होंने ये बताया कि 6 प्रोजेक्ट दुबई में लॉन्च करने वाले हैं क्योंकि यूएई ने मिस्टर साजन को गोल्डन वीजा ऑफर किया है और जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं डेन्यू ग्रुप में उसमें ज्यादातर इंडियंस ही हैं और पास्ट मंथ में रशिया और लंदन से भी काफी लोग डेन्यू ग्रुप में आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दुबई की मार्केट काफी अच्छी है और प्रॉपर्टीज के प्राइस भी काफी रिजनेबल हैं। बहुत सारे लोग जीसीसी कंट्रीज से प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। गाइस, जीसीसी कंट्रीज का यहां पर मतलब होता है सऊदी, ओमान, बहरेन एंड कुवैत। हम सब ने मुकेश अंबानी, गौतम अडानी की रिच लाइफ तो देखी ही है, लेकिन ये जिंदगी शुरू से ऐसी ही नहीं थी। रिजवान साजन मुंबई के स्लम से निकलकर दुबई के रिचेस्ट मैन आज बन चुके हैं। हम सब ने देखा उनकी लाइफ में कितने स्ट्रगल थे, लेकिन गरीब से अमीर बनने के लिए उन्होंने धीरे धीरे स्टेप्स लिए। रिजवान साजन मुंबई की स्लम्स में रहते थे तो उनके फादर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक पर्सनल टॉयलेट का इंतजाम कर सके। किस्मत ने रिजवान के फादर का साथ दिया और एक दिन रिजवान के फादर ने एक गवर्नमेंट होम लॉटरी जीत गए और फिर मुंबई की स्लम से बाहर आकर रिजवान की फैमिली को एक छोटा सा घर मिल गया जो उस
फैमिली के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और उस वक्त ही रिजवान को ये रियलाइज हुआ एक घर की वैल्यू क्या होती है। आज रिजवान साजन दुबई की लग्जरी बिल्डिंग में रहते हैं और उन्हें जिंदगी के सारे ऐश और आराम मिल रहे हैं। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड नेक्स्ट वीडियो किस पर बननी चाहिए।